नमस्कार, न्यूज़क्लिक में आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज का चर्चा का विषय है एक अधिनियम, एक कानून। ये है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो 67 साल पुराने हैं। 1955 में मेरा जन्म हुई थी उस साल। और ये जो कानून है, ये जो अधिनियम है, ये आवश्यक वस्तु के अधिनियम है। इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आज मेरा साथ श्री आशीष बहुगुणा जी है। वो आईएएस अधिकारी, एक समय आईएएस अधिकारी थे, अभी वो रिटायर किया। वो राजस्थान काडर का 1978 बैच में है। भूतपूर्व कृषि मंत्रालय में सचिव थे, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, कृषि सचिव, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ये संस्था का एक विशेषज्ञ है। आज बहुगुणा जी स्वाधीन व्यक्ति है, मगर भारतवर्ष में कृषि क्षेत्र में जो भी हो रहा है, इस विषय के ऊपर बारीकी से उन्होंने जानकारी है इनके पास। तो धन्यवाद आशीष जी, आपका कीमती समय, आपका बहुमूल्य समय आपने न्यूज़क्लिक दर्शक को दिया। तो मैं आपको एक थोड़ा लंबा इंट्रोडक्शन देके एक सवाल उठाऊंगा। ये 5 जून 2020 में भारत सरकार ने अध्यादेश लाया और ये जो कानून है, जो अधिनियम है, जो आवश्यक वस्तु के ऊपर, इसको इसमें संशोधन बदलाया और बोला कि जो स्टॉक के जो सीमा होता है, स्टॉक लिमिट्स जो होते हैं, और जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग है, जो 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 वैध व्यापार या कारोबार होता है, ये सब हटा देंगे सरकार। और भी बहुत कुछ कहा। और इन्होंने किस तरह से क्या आवश्यक वस्तु है, क्या नहीं, कौन सा आवश्यक वस्तु नहीं है, जैसे प्याज, जैसे आलू, और किस तरह से इनकी कीमत के ऊपर, इनके स्टॉक्स के ऊपर सरकार नियंत्रण करेंगे, लंबा इन्होंने लिखित रूप में ये अधिनियम जिस तरह से संशोधन कर रहे हैं बदला दिया। और इस विषय के ऊपर काफी विवादित एक विषय है। और किस तरह से आप नियंत्रण करेंगे, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस या कि असाधारण परिस्थितियां है, जिस समय भारत सरकार का युद्ध हुआ, कई अकाल हुआ, फैमिन, वॉर, या कोई असाधारण मूल्य वृद्धि, जैसे अगर प्याज का दाम या आलू का दाम दुगना हो जाता है, या जो नॉन पेरिशेबल आइटम, जो जो खराब नहीं होने वाले जो खाद्यान्न है, जैसे चावल है, गेहूं है, दाल है, खाने का तेल है, इसका अगर मूल्य वृद्धि 50% होगा, तब भी सरकार इसके ऊपर नियंत्रण रख सकता है। स्टॉक के ऊपर कहेंगे ये सीमा होना चाहिए, इस तरह से व्यापार होना चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं कि भारत सरकार अलग अलग आवश्यक वस्तुओं के ऊपर ये अपना जो कानून का जो संशोधन इन्होंने किया, अधिनियम का जो बदलाव लाया, वो नहीं मान रहे। तो बहुगुणा जी, आप जरा सरल भाषा में समझा दीजिए क्या हुआ। धन्यवाद परंजय जी, मुझे इस वार्ता में आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैं आपका आभारी हूं और आपकी संस्था का आभारी हूं कि मुझे अपने विचार व्यक्त करने का आपने मौका दिया। जहां तक आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात उठाई है, ये बात सही है कि जो पिछले समय जो भारत सरकार ने
पहले ऑर्डिनेंस और बाद में बाकायदा पारित करके हाउस में जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का संशोधन पारित किया गया था, वो आपको ज्ञात ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको और बाकी दो अन्य विवादित कृषि कानून हैं उनको भी अबेंस में रख दिया था। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञों की समिति गठित की थी जिनको ये कार्य दिया गया था कि वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग इन 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 कानूनों से प्रभावित होते हैं, उनसे विचार विमर्श करके और अपने जो ओपिनियन है उसको कोर्ट के सामने रखें और उसके बाद उस पे कोर्ट पे विचार किया जाएगा। उस समिति ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है माननीय सुप्रीम कोर्ट को, अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या निर्णय लेगी। और रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? और रिपोर्ट में क्या लिखा है वो भी सर्वविदित नहीं है। वो तो जब सुप्रीम कोर्ट में प्रकाशित करेगा या नहीं करेगा ये तो उनकी विवेचना के ऊपर है, हम कह नहीं सकते हैं। पर मैं आशा करता हूं जरूर कि वो रिपोर्ट भी जरूर प्रकाशित होगी ताकि सर्वसाधारण को, जनसाधारण को मालूम पड़े कि विशेषज्ञों ने और विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स ने उन्होंने क्या कहा था और क्या क्या सिफारिश की थी सुप्रीम कोर्ट को। पर ये भी बात सही है जो आपने कहा कि जो उस कानून में जो प्रावधान रखे गए थे उनका फिलहाल पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है, या जैसे कि आपने कहा था कि अगर वो कानून पारित होते या कानून इस समय प्रभावी होते जो, तो जो हाल ही में कुछ निर्णय लिए गए हैं सरकार द्वारा स्टॉक लिमिट्स पे और जो वादा कारोबार है उन सब पे, वो शायद लिए नहीं जा सकते थे। क्योंकि उस कानून में जो खास बात ये थी कि जो भी आवश्यक जो कमोडिटीज हैं, जो आवश्यक वस्तुओं के परिभाषा में आती हैं, उन पे बंधन तभी लगना था जबकि कोई, जैसे आपने कहा कि असाधारण परिस्थिति हो या फिर मूल्य में भी अनावश्यक वृद्धि। और मूल्य में अनावश्यक वृद्धि का डेफिनेशन उन्होंने एकदम मतलब स्पष्ट किया हुआ था और शायद उस हद तक मूल्य वृद्धि नहीं हुई है। पर जैसे आपको मालूम ही है कि सरकार ने हाल ही में स्टॉक लिमिट्स इंपोज की हैं मस्टर्ड पे और मस्टर्ड ऑयल पे और मस्टर्ड सीड्स पे, दोनों पे, सरसों तो, और सरसों का तेल। और इससे पहले जी, आपको याद होगा कि दाल, कुछ दालों के ऊपर भी इस तरह से स्टॉक लिमिट, चने, जी हाँ वो चने की दाल के ऊपर था। तो ये बात आपकी सही है। और इसको अब ये क्यों किया गया, इसके लिए तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि सरकार भी जब भी कोई जो चाहे नियम करें या अधिनियम करें या कानून पारित करते हैं, तो जब उसको इम्प्लीमेंट करने की या लागू करने की बात होती है, जब सामने प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं, तब उसमें पता चलता है कि उस कानून में कमियां भी हैं कि नहीं, कमजोरियां भी हैं कि नहीं। और कई बार एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से पता चलता है कि कहां कहां कमियां रह गई और उनको भरपाई करने की जरूरत है। तो मुझे शायद लगता है कि सरकार ने ये देखा है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, जबकि जनमानुष वैसे ही आप जानते ही हैं लगभग 2 साल से कोविड की वजह से लोगों की, जनसाधारण की आय में बहुत कमी हुई है, कटौती हुई है, वैसे ही लोग बाग जीवन यापन के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे समय में थोड़ी सी भी अगर मूल्य वृद्धि हो तो शायद, ये मुझे लगता है कि शायद सरकार ने सोचा होगा कि वो, उन्होंने अपने जो पुराना जो निर्णय था उस पर शायद पुनर्विचार किया है और नए, ये उन्होंने एक ये आदेश पारित किया है। तो शायद इसका ये भी अर्थ निकले कि
कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे इस आवश्यक वस्तु अधिनियम के ऊपर, हो सकता है सरकार वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपने हाल ही में हुए कई निर्णयों आदेशों को ध्यान में रखते हुए उस परिवर्तित अध्यादेश को भी शायद पुनः परिवर्तित करने की जरूरत महसूस करे। मैं ये हो सकता है, ये मेरा केवल अनुमान है, मैं तो सरकार की तरफ से बोल नहीं सकता हूं, पर मुझे यही लगता है कि आम इंसान अपनी भूलों से ही सीखता है, अपनी गलतियों से ही सीखता है और जहां जहां हो सकता है वहां सुधार करता है। तो मेरे ख्याल से ये सरकार ने शायद कुछ सुधार किया है वर्तमान वातावरण और वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए। मैं एक और सवाल आपसे उठा जी, ये जब आवश्यक वस्तु का जो ये अधिनियम के ऊपर जो संशोधन लाया और कहा कि ये एक नया कानून आएगा, एक तरह से फ्रीडम ऑफ फूड स्टॉकिंग बाय एग्री बिजनेसेस, जो जो आपने बड़े बड़े कंपनी जो जो कारोबार है ये हमारे कृषि क्षेत्र के अलग अलग वस्तुओं के ऊपर, इसको हम स्वतंत्रता देंगे, इसको हम स्वाधीन कर देंगे और हम सारे जो स्टॉक के ऊपर जितने सीमाएं हैं ये हटा देंगे और एक राज्य से दूसरे राज्य जो आप कारोबार करेंगे, बिक्री करेंगे, इसमें हम आपको पूरा स्वाधीनता मिल जाएगा। मगर इस विषय काफी एक विवादित बात है क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग अधिनियम था, अलग अलग तरीका से एक ही कानून को लागू कर रहे थे और लोग कह रहे कि ये जो क्या आवश्यक वस्तु, कौन सा वस्तु आवश्यक है और कौन नहीं है, कौन त्याग किया। आप कह रहे प्याज और आलू होना चाहिए, अच्छा इसमें और क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अब तो किसी से बातचीत नहीं करके किया। आज आप जानते हैं कृषक लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी 10 महीना से ज्यादा हो गया, अभी भी दिल्ली का बॉर्डर में आपका टिकरी, सिंघू और गाजीपुर में अभी है। दूसरे सवाल है, एक साथ आप जवाब दे दीजिए, क्या है ये असाधारण तरीका से मूल्य वृद्धि, कौन कह रहे क्या असाधारण है, क्योंकि लोग कह रहे देखिए हर मौसम में बदलता रहता है। एक उदाहरण आपको देता हूं, मौसमी ये जो उतार चढ़ाव होता है मूल्य का, कब से आप इसका कैलकुलेट करेंगे, आप इसका गणित कहां से करेंगे, कौन करेगा, क्या है ये एवरेज रिटेल प्राइस 5 साल का, ये जो औसत, ये जो खुदरा मूल्य है, कौन कह रहे 5 साल का होना चाहिए, कौन कहेगा कि ज्यादा बढ़ गया कम हो गया। देखिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, प्याज का दाम अप्रैल और अगस्त के बीच दुगना होने का बहुत बड़ा संभावना है, साल में बाकी समय नहीं होगा। तो ये जो जिस तरह से इस विषय के ऊपर ये आवश्यक वस्तु का जो कानून है, आज नहीं दशक से इसके ऊपर आलोचना हो रही है, ये विवादित एक विषय है, तो एक तरह से इसमें राजनीति आ, अर्थनीति लोग भूल गया और इसमें राजनीति आ गया। क्या आप मेरे साथ सहमत है, जैसे MSP जो जो न्यूनतम जो 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 मूल्य है, जो MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो जैसे एक राजनीतिक एक हथियार बन गया, आज ये भी कानून इसमें राजनीति आ गया और अर्थनीति से ज्यादा राजनीति आ गया। इस विषय के ऊपर आपका राय जरूर कीजिए। देखिए राजनीति के बारे में तो मैं कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ सिवाय इसके कि राजनीति तो हर क्षेत्र में व्याप्त है, जो भी हम करें रोजमर्रा की जिंदगी में भी राजनीति किसी न किसी रूप में व्याप्त होती ही है, तो राजनीति को अलग करके देखा नहीं जा सकता। देखा शायद ये जाना चाहिए कि क्षेत्र को, देश को, सर्वसाधारण को किस चीज से फायदा होता है, किस चीज से नुकसान होता है। जो आपने 3-4 बातें अलग अलग छेड़ दी, मैं कोशिश करूंगा कि उन सब पे बारी बारी से क्रमशः अपनी टिप्पणी करूं। पहले तो कि कौन सी वस्तुएं अधिसूचित की जाएंगी कि वो आवश्यक हैं या नहीं, तो ये तो राज्य सरकार के
अधिकार क्षेत्र में आता है कि कौन सी चीज होती है कौन सी चीज नहीं होती, उसको बाकायदा नोटिफिकेशन वगैरह किया जाता है और करते आए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार भी नोटिफाई करती है। तो इसमें कौन सी वस्तु शामिल होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए, ये तो सभी जो चाहे सरकार हैं बाकी स्टेक होल्डर्स हैं इनको साथ मिल बैठ के तय करके कि कौन सी चीज में ज्यादा सेंसिटिविटी है प्राइसेस के साथ, उसके हिसाब से तय होना चाहिए। ये तो वो रहा। दूसरा ये है कि आपने कहा कि ये जो लिबरलाइजेशन कि मतलब खुली छूट देना कि भाई स्टॉक लिमिट्स की अब कोई पाबंदी या बंदिश नहीं रहेगी, देखिए मेरे समझने में तो ये बहुत ही एक बढ़िया कदम है और मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि किसी भी फसल की किसी भी जिन्स की जो आवक होती है जो क्रॉप अराइवल्स का समय होता है वो महीना भर होता है डेढ़ महीना होता है। अगर साल में दो बार फसल आती है तो फिर ऐसे ही करके एक डेढ़ महीना एक समय एक डेढ़ महीना दूसरे समय वो होता है, तो आवक लिमिटेड रहती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आवक जो है वो लिमिटेड रहती है दो महीने मैक्सिमम, खपत जो है कंजम्पशन वो बारह महीने चलती है। अब या तो देश का किसान इतना सामर्थ्यवान हो कि वो अपनी फसल को अपने पास रख सके और शनै शनै धीरे धीरे उसका डिस्पोजल कर सके और उसके पास इतना सरप्लस हो इतना मार्केटेबल सरप्लस हो कि वो धीरे धीरे बाजार में जाके और हर महीने दो महीने में डिस्पोज ऑफ कर सके, पर ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। न तो हमारे देश का किसान इतना बड़ा है न उसके पास इतना मार्केटेबल सरप्लस है और वैसे ही साधन की बहुत कमी है। तो इसलिए ये जरूरी है और किसान को भी यही अपेक्षा होती है कि उसे अपने फसलों का मूल्य जल्दी से जल्दी मिले। और होता क्या है, समस्या ये है कि जब जिन्सों की आवक होती है क्रॉप अराइवल्स होते हैं तब प्राइसेस सबसे कम स्तर पर है और जैसे ही जैसे लीन सीजन में जाते हैं चाहे कोई भी कमोडिटी हो, आपने प्याज का जिक्र किया पर ये हर कमोडिटी पे है, पेरिशेबल कमोडिटीज में ये ज्यादा होता है क्योंकि वो उसकी शेल्फ लाइफ लिमिटेड रहती है, बाकी हर कमोडिटी में प्रॉपर अराइवल्स के समय कीमतें गिरती हैं और लीन पीरियड में कीमतें बढ़ती हैं। इसीलिए फ्यूचर्स का जो वायदा कारोबार है, हालांकि वायदा कारोबार का इस अधिनियम में डायरेक्ट जिक्र नहीं है, पर उसका इसीलिए फायदा है क्योंकि किसान फिर उस भविष्य की तिथि पे और भविष्य के रेट्स पे अपना माल बेच पाएगा, अपना जो हार्वेस्ट है वो बेच पाएगा और नेचुरली छोटा किसान नहीं कर सकता ये खुद, तो किसानों को समूह बना के संगठित होकर ये करना पड़ेगा, चाहे कोऑपरेटिव के माध्यम से चाहे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के माध्यम से। तो ये तो और उसमें अलावा भी उसके और कई ऑप्शंस हैं, पुट ऑप्शंस हैं जिसमें किसान तय कर सकता है कि जो भी फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस है अगर कहीं उससे ज्यादा प्राइस बढ़ी तो वो बढ़ी हुई प्राइस पे बेच सकता है, पर अगर कम हुई प्राइस पर तो वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस पे ही भेजेगा। तो किसानों को दोनों तरफ से फायदा होगा, अवश्य उसको प्रीमियम की कॉस्ट वहन करनी पड़ेगी और ये हो सकता है और ये मैं चाहता हूं कि सरकार जैसे कि इंश्योरेंस करती है उत्पादन का फसल के उत्पादन का, वैसे ही सरकार को शायद कीमतों के लिए भी बीमा शुरू करनी चाहिए, बीमा योजना शुरू करनी चाहिए। इससे सभी का फायदा होगा और इससे शायद किसानों का ज्यादा फायदा होगा उत्पादन बीमा करने के बजाय। जो आपने आखिरी बात जो कही थी कि जो प्राइसेस कैसे तय होते हैं, तो प्राइसेस का तो देखिए भारत सरकार मॉनिटर करती रहती है कि महीने दर महीने जिन्स दर जिन्स कौन सी प्राइसेस क्या रहती हैं, एवरेज वेटेड प्राइस मूवमेंट क्या रहता है, उसको देखते हुए वो किया जा सकता। रही बात कि 50% ज्यादा मूल्य वृद्धि मानी जाएगी या 75% या 100%, वो तो सोचने की बात है, उस पे बैठ के और उसमें निर्णय किया जा सकता है। कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जहां हो सकता है जहां उपभोक्ता
की कैपेसिटी न हो इतनी प्राइस राइज वहन करने की, तो वहां शायद उसमें आप कम रख सकते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं जहां उपभोक्ताओं की कैपेसिटी शायद ज्यादा हो या उतनी सेंसिटिविटी ना हो, वहां आप ज्यादा रख सकते हैं। तो ये तो बैठ के विचार विमर्श करके तय किया जा सकता है। आपने आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं, और आप पता नहीं हमारे साथ एक सहमत होंगे कि नहीं, आज इतना बड़ा विवाद क्यों हो गया, आज ऐसे असाधारण एक आंदोलन क्यों चल रहा है, 10 महीना से ज्यादा हो गया, अभी 1 साल होने वाले हैं, क्योंकि आपने अध्यादेश लाने के पहले 1.5 साल पहले आप विचार विमर्श नहीं किया, आप लोगों से बातचीत नहीं किया, तो आप कह रहे 50% ठीक होना चाहिए या 100% होना चाहिए, आप तो किसी से बात भी नहीं किया, ये पहला बात है। दूसरी बात है कि आप कुछ भी कहिए, वन नेशन वन मार्केट, एक देश एक बाजार, मगर आप जैसे कहा भारतवर्ष के कृषि क्षेत्र में हमारे कृषक वो समझते हैं, वो सोचते हैं कि एक संकट के समय से, एक संकट के दौर से गुजर रहा है, आज नहीं काफी साल से, काफी दशक से, मगर ये जो नया कानून जो कृषक लोग कहते हैं काला कानून लाया, इसका एक असर पड़ा। मेरा भी सवाल ये है आपसे कि आपने ठीक कहा कि जो कृषक है जो उत्पादन करते हैं हमारा फसल, जो हमारा मेज में खाना ले आते हैं, हमारा अन्नदाता है, और जो उपभोक्ता है, जो आम उपभोक्ता है, जो ऑर्डिनरी कंज्यूमर जो है, इन दोनों का हित सरकार का काम है एक संतुलन ना, यही नहीं कर पा रहे, मैं समझता हूं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है आज हम हमारे देश में, मैं समझता हूं विश्व के इतिहास में हमने ऐसे आंदोलन कभी नहीं देखा, वो आंदोलन अभी भी जारी। तो इस विषय के ऊपर अब क्या कहने चाहेंगे आशीष जी? यदि आप मुझे अनुमति दें तो पिछले प्रश्न का एक भाग छूट गया था, वो मैं पहले पूर्ण कर लूं, उसके बाद मैं इस प्रश्न पे आता हूं। जो आपने पूछा था कि जो स्टॉक लिमिट्स पे जो पाबंदी हट गई उसका क्या फायदा है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। पहले भी जैसे खास तौर से दलहन और तिलहन में कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, एडिबल ऑयल्स में और पल्सेस में कीमतें बहुत बढ़ जाती थी, तो गवर्नमेंट समय समय पर कभी इम्पोर्ट ड्यूटी घटा देती थी, इम्पोर्ट फैसिलिटेट करने के लिए कई चीजें वो कर देती थी, जैसे अभी अभी किया है, मैंने किया भी है जी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ उदाहरण कि स्टॉक लिमिट्स क्यों, क्योंकि ये मेरे सामने और मेरे रहते ये 2-3 मरतबे इस तरह का केस हुआ कि किसी इम्पोर्टर ने दलहन दाल हमारी मोजाम्बिक अफ्रीका से इम्पोर्ट करी भारतवर्ष में, और जैसे ही वो कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस से बाहर निकली, राज्य सरकार के लोगों ने छापा मार के उसको कह दिया कि ये साहब आपका एक्सेसिव स्टॉक्स है, ये स्टॉक लिमिट्स के बाहर है। तो एक तरफ देखिए, एक तरफ आप तो कह रहे हैं कि लाइए, और उसमें फिर आप वो दूसरी तरफ अड़चन डाल रहे हैं कि नहीं लाओगे कैसे। तो हर तो देखिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि फैसिलिटेट करे, चाहे किसानों को, चाहे व्यापारियों को, चाहे सभी को, कि अपना काम करे और उपभोक्ताओं को बेस्ट जो जो प्राइसेस है उस पे मिले, सब तो के ये सबका विकास, जैसे प्रधानमंत्री बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। जहां तक आपने ये बात करी, हाँ जी हाँ, ये तो सर्वविदित है कि ये जो 3 कानून है सबको एक उसमें दर्जे में कृषि कानून कह के बोला जाता है, इवन ईसी एक्ट वाले अमेंडमेंट को भी, पर हाँ इस पे विवाद चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है बहुत तो महीनों से और बहुत लंबा, और इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट भी मतलब इस पे इन्वॉल्व हो गया है एक तरीके से, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, और सरकार तो है ही और अभी तक चल रहा है, और इसमें मुझे देखिए इसमें मुझे 2 बात कहनी है। एक तो ये है कि किसी भी कानून को, और खास तौर से अगर कानून अगर बहुत इमीडिएसी ना हो उसमें, तो किसी भी कानून को शायद ऑर्डिनेंस के जरिए अध्यादेश के जरिए लाना
शायद ठीक नहीं है। और लोकतांत्रिक नहीं है, आप कहेंगे कि लोकतांत्रिक नहीं है, हर बड़ी में आप कुछ एक बहुत ही नहीं कई मर्तबे आपको हो सकता है लाना पड़े इमीडिएसी, अगर हो मान लीजिए कि युद्ध छिड़ जाए और इस तरह की कुछ चीजें, तो कुछ करना पड़ता है, पर अगर जितना हो सके नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके जो जो संसद में जो चर्चा परिचर्चा और जो आपस में जो बातचीत वगैरह से कई जो कमजोरियां या गैप्स रह जाते हैं उनको भरने का मौका मिलता है। जहां तक ये कानून इन कानूनों का सवाल है, पर संसद के बाहर देखिए जो 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 स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होता है वो संसद के अंदर तो होता ही है, पर संसद के बाहर भी बहुत एक होने की आवश्यकता है। और इन कानूनों पे कई सालों से संसद के बाहर, और खास तौर से मैं जानता हूँ कि कृषि मंत्रालय में मार्केटिंग जो है, जो जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के विषय पे इतने ज्यादा कंसल्टेशंस हुए हैं राज्य सरकारों के साथ, और इसमें कि किस तरह इसको असली जामा अमली जामा पहनाया जाए, क्योंकि जो मॉडल कानून बनाया था कृषि मंत्रालय ने 2003 में, उसमें कई स्टेट्स ने उस पर अमल किया, पर आंशिक अमल किया, एक आध स्टेट ने पूर्णतया अमल किया, कईयों ने कुछ नहीं किया, और वही हम कोशिश कर रहे थे कि सब लोग करें, ताकि जो जो हम लोग समझते थे कि जो इसमें फायदे हैं वो सब जगह फैलें, पर वो शायद नहीं हो पाए जिस भी कारण से हो, पर कंसल्टेशंस लगातार चलते रहे। तो और मैं कहने का मतलब ये है मेरा कि कंसल्टेशंस एक तो ये है कि खाना पूरी करने के लिए, मेरे ख्याल से खाना पूरी तो शायद सही शब्द नहीं होगा, क्योंकि संसद एक आफ्टर ऑल मैं प्रिविलेज पे हॉल नहीं होना चाहता हूँ कि संसद में जो डिस्कशन होता है वो महज खाना पूरी होता, पर एक संसद के डिस्कशन में टाइम लिमिटेशंस वगैरह होती हैं और कई वो रहती हैं, तो उसमें खैर जरूरी है, पर उससे भी नहायत जरूरी वो है कि संसद के बाहर भी कंसल्टेशंस हो। और कई मर्तबे जब पुराने कानून होते थे इसीलिए संसद में चाहे स्टैंडिंग कमिटीज हो या सिलेक्ट कमिटीज हो वो बैठती थी कानूनों को लेकर और विचार विमर्श करती थी स्टेक होल्डर्स को न्योता दे के। इन कानूनों में एक तो ये है कि कृषि मंत्रालय द्वारा, जो मैंने कहा कि सब राज्य सरकारों से, और हमें ये विश्वास था या ये हमारा भरोसा था कि राज्य सरकारें भी अपनी अपनी जगह में किसान संगठनों वगैरह से विमर्श करेंगी। दूसरा ये था कि 2011 में शायद तीन ग्रुप्स बने थे स्टेट मिनिस्टर्स के, और ये केंद्र सरकार के तत्वावधान में बने, रिपोर्ट भी पेश किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट विभिन्न चीजों में पेश की थी, प्लानिंग कमीशन में भी आए थे, तो उन ग्रुप्स में इन सभी विषयों पे जिस पे ये कानून बाद में बने हैं उन सभी विषयों पे बात हुई थी, चर्चा हुई थी, और इंगित किया गया था कि रास्ता क्या है, पर वो उस समय नहीं हो पाया जिस भी कारण से रहे हो। तो ये वस्तुस्थिति है कि कंसल्टेशंस हुए हैं, हो सकता है मनमाफिक न हुए हों, संसद में जिस तरह पारित हुआ तो वो सभी जानते हो, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर अब वास्तुस्थिति ये है कि अब हम तीनों कानून अभी अबेयंस में है, अधर झूल में है, और जब तक कोर्ट इस पे अपना फैसला सुना नहीं देता हमें मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। तो हम सब भी उत्सुक हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि कोर्ट भी अपना फैसला रखना है, कि एक तरफ से ये जो बात इतने समय से चले आ रही है इट शुड बी पुट टू रेस्ट, एक कम से कम एक निर्णय तो आए, ये सारे विवाद का एक समाधान होने का बहुत जरूरी है। तो मैं कह सकता हूँ हमारा वक्त अभी खत्म हो गया, आधा घंटा से ज्यादा आपसे मैं बात कर रहा हूँ। संक्षिप्त में अगर मैं कहना चाहता हूं, आप क्या हमारे साथ मानेंगे अगर मैं कहूं कि जिस हड़बड़ी में ये आवश्यक वस्तु के जो अधिनियम सरकार इसके ऊपर बदलाव लाया है, संशोधन लाया है, इससे पहले और ज्यादा विचार विमर्श करना चाहिए संसद के अंदर, राज्य सरकार के साथ और अलग अलग संस्थाओं के साथ जो आप अंग्रेजी में कहते हैं स्टेक होल्डर्स। अगर ये होता तो आज
मैं नहीं कह रहा हूं कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, मगर एक साथ आपने तीन कानून लाया, ये आज विवाद का एक बहुत ही बड़ा कारण है कि आप लोगों से बातचीत नहीं किया, आप हड़बड़ में सब कुछ किया। आप क्या मेरे साथ मानेंगे ये बात? मैं पूर्णतया तो नहीं मानूंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि देखिए जितनी बात करें उतनी बेहतर होती, जितनी वार्ता हो उतनी बढ़िया है, क्योंकि उसमें जितनी शंकाएं हैं, और मेरा मानना है खुद भी कि इन तीनों कानूनों को लेके जो जनसाधारण में और किसान भाइयों में जो शंकाएं हैं वो शायद निराधार हैं, उनको दूर किया जा सकता है, पर वो दूर से केवल बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है। तो जो बातचीत तो हमेशा सबसे बढ़िया जरिया होता है कोई भी काम करने के, तो बातचीत के में के लिए मैं हमेशा से पक्षधर हूँ, पक्षधर रहूंगा, और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द इस समस्या का फैसला निकल आए, और ताकि सब हम लोग हम सब के सब चैन की सांस ले सकें और बाकी काम के लिए भी अपने अपना समय निकाल सके। धन्यवाद धन्यवाद आशीष बहुगुणा जी, आप केंद्र कृषि मंत्रालय में सचिव थे, ये विषय के ऊपर आपका जानकारी है, आप बारीकी से आपका समय न्यूज क्लिक का दर्शक को आपने दिया। ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो 55 साल का ये आवश्यक वस्तुओं के ऊपर जो अधिनियम है, इसका कमियां कैसे संशोधन आए, ये सारे विषय के ऊपर और कृषक लोग का आंदोलन के साथ जोड़ के आपने समझाया। मैं एक बार और धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ, और हम हमारे सारे दर्शक को कहते हैं, हम कह रहे हैं कि आप सब देखते रहिए न्यूज। Thank you.